देश में लंबे लाल बालों वाली एक राजकुमारी रहती थी। इस राजकुमारी के पास एक सुंदर फूलों का बगीचा था। खासकर लाल गुलाब राजकुमारी को बेहद खुशी दे रहे थे। शाम के समय जब देश में लोग सोने के लिए बिस्तर पर जाते, रोज राजकुमारी महल की बालकनी से बाहर जाती और 3 बार ताली बजाती। इस आवाज को सुनकर एक नन्ही सुनहरी चिड़िया गुलाब राजकुमारी के हाथ में उड़ जाती और उसी क्षण राजकुमारी के बाल चमकने लगते। प्यारा पक्षी खूबसूरती से गाना शुरू कर देता और राजकुमारी अपनी मखमली आवाज में एक लोरी गाती। राजकुमारी की इस सुंदर लोरी को सुनने वाला हर कोई धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता और तुरंत सो जाता। मीठे सपने और शुभ रात्रि मेरे देश के खूबसूरत लोगों। जबकि रातें शांति और आनंद में गुजर रही थी, रोज राजकुमारी के लिए धन्यवाद। एक दिन एक नुकीली टोपी वाली एक चुड़ैल उड़ती हुई झाड़ू के साथ गुलाब राजकुमारी के महल में आई। मैं अब इस राजकुमारी का गाना नहीं सह सकती, मैं तंग आ गई हूँ। जादू करने वाली चुड़ैल ने राजकुमारी पर एक दुष्ट जादू डालने का फैसला किया। अलकाजम, अलकाजम, गुलाबों को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। उस समय राजकुमारी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है, वे सभी काले हैं और अभी सोने का समय है। राजकुमारी अपने काले बालों के साथ अपने लोगों के लिए एक लोरी गाने के लिए बालकनी से बाहर चली गई। उसने 3 बार ताली बजाई। सुनहरी चिड़िया फिर उड़ी और उसके हाथ पर आ गिरी। रोज प्रिंसेस के काले बाल फिर से चमक रहे थे। हालांकि राजकुमारी सोच रही थी कि उसके लाल बालों का क्या हुआ, वो चिड़ियों के साथ अपनी लोरी गाने लगी। देश में हर कोई गहरी नींद में सो गया, लेकिन अच्छे सपनों के बजाय भयानक बुरे सपने आने लगे। यहाँ तक कि बच्चे भी जो रोते रोते जागते गए। मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैं अब रात को सोना नहीं चाहता, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। हाँ, मुझे भी। अगले दिन शाम को गुलाब राजकुमारी, जिसे पता चला कि उसके लोगों को बुरे सपने आ रहे थे, अपनी बालकनी में वापस गई और उसने सुनहरी छोटी चिड़िया से कहा, मेरी नन्ही चिड़िया, मेरे लोग दुस्वप्नों से थक चुके हैं, सुबह होने से पहले उनके सपनों को ठीक करने में मेरी मदद करो। गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे, ट्वीट ट्वीट ट्वीट, गुलाबों को आपके बालों में मुस्कान लाने दे, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। गुलाब लाओ मेरे बालों में मुस्कान। पक्षी की सलाह से राजकुमारी ने एक बड़े टब में पानी भर दिया। उसने उसमें एक मुट्ठी लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी। पानी लाल हो गया। राजकुमारी ने इस जल में अपने बाल डुबो दिए। उस क्षण बाल लाल हो गए। आहा, गुलाब ने मेरे बालों को मुस्कुरा दिया, छोटी चिड़िया सच कह रही थी, हुर्रे। उस रात जब राजकुमारी ने एक लोरी गाई तो देश में हर कोई शांति से सोया और सुंदर सपने भी देखे।
जब चुड़ैल को पता चला कि गुलाब राजकुमारी पर जो उसने जादू किया वो टूट गया, उसने गुस्से में एक बार फिर श्राप दिया। अलकाज़म पलकाज़म, गुलाब को मुरझाने दो, गुलाब राजकुमारी को चुप रहने दो। फिर उसने देश के सभी गुलाब की कलियों को सुखा दिया और भाग गई। गुलाब राजकुमारी बहुत परेशान थी जब उसने देखा कि उसके बाल फिर से कोयले की तरह काले हो गए। आह नहीं, फिर से मेरे साथ ही क्या हो रहा है। राजकुमारी ने अपने सहायकों से उसके बालों को ठीक करने के लिए तुरंत गुलाब की पंखुड़ियां लाने को कहा। हालांकि सहायकों को बगीचे या देश में एक भी गुलाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी छोटी चिड़िया, मुझे बताओ। गुलाब आपके बालों में मुस्कान लेकर आए, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। लेकिन पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं है, रुको मत जाओ। गुलाब राजकुमारी इतनी परेशान थी कि वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर पड़े। उस समय महल के बगीचे से एक युवा और सुंदर व्यक्ति गुजर रहा था। जब इस युवक ने आंसुओं को जमीन पर गिरते देखा तो उसने अपनी जेब से एक बक्सा निकाला और उसमें बालों की एक पतली लाल लट थी। युवक ने लाल बालों की लट को आंसुओं में जमीन पर छोड़ दिया। लाल बालों का एक लट एक पल में एक चमकदार गुलाब में बदल गया। सुंदर आदमी गुलाब लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी जो पानी से भरे बाथटब के पास उदास खड़ी थी, जब उसने सुंदर आदमी को प्रवेश करते देखा तो वो उत्साहित हुई। तुम मुझे याद हो? हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये फूल तुम्हारे लिए है, कृपया इसे स्वीकार करो मेरी रोज राजकुमारी। राजकुमारी बहुत खुश थी जब उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त उसके लिए लाल गुलाब लाया था। इसके तुरंत बाद उसने गुलाब को टब में फेंक दिया। उसने फिर अपने बालों को पानी में डुबोया और आखिरकार चुड़ैल का श्राप टूट गया। वो कोयले से काले बाल फिर से लाल हो गए। अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखकर राजा भी प्रसन्न हुआ। युवक, मुझे बताओ, जब पूरे देश में एक भी गुलाब नहीं बचा था तो तुम्हें ये गुलाब कैसे मिला? ये गुलाब हमारी राजकुमारी के दुख भरे आंसुओं और उसके लाल बालों की लट से बना था, जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मेरे राजकुमार। ये सच है डैडी, देखिए मैं भी सालों से उनके बालों की लट को इस बॉक्स में रख रही हूँ। राजा, राजकुमारी और युवक दोनों की वफादारी से प्रभावित हुआ। इस प्रकार गुलाब राजकुमारी और उसके बचपन के दोस्त सुंदर आदमी ने अगले ही दिन शादी कर ली। ये महसूस करते हुए कि उसका अभिशाप प्रेम की शक्ति से टूट गया था, चुड़ैल को एहसास हुआ कि वो फिर कभी भी जीत नहीं सकती और बहुत दूर उड़ गई।